नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोबाइल पाठशाला के YouTube चैनल पर। दोस्तों आप जानते हो कि 13, 16, 17, 18 कुल मिला के 4 दिनों के और 12 शिफ्ट के पेपर हो चुके हैं, ठीक है। और आप ये भी जानते हो कि कैसे क्वेश्चन मतलब पूछे जाए, नहीं जानते तो बिल्कुल उन्हीं लोगों के लिए है आज का ये सेशन। आज का ये सेशन हम उन्हें के लिए मतलब उनको समर्पित कर रहे हैं, आप कह सकते हैं उन्हीं के लिए है, ठीक है, जो पेपर देने जाने वाले, ठीक है। बिल्कुल आप कह सकते हैं कि मॉडल टेस्ट पेपर या कह सकते हो जैसे एग्जाम के क्वेश्चन आते रहते हैं, वैसे ही कह सकते हो। आइए आज का पहला सवाल आपकी नजरों के सामने पेश है और चार ऑप्शन ए बी सी डी दिया हुआ है, बताइए जरा क्या सही हो सकता है। कह रहा 3 संकेंद्री वृत्त हैं। संकेंद्रीय का मतलब क्या होता है भाई, जिनका केंद्र एक ही हो, एक ऐसे ऐसे थोड़ा ये बन गया ऐसे। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, कह रहा है कि 2 संकेंद्रीय वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल, कह रहा है ये वाला क्षेत्रफल पूछा जा रहा आपसे और इस वाले क्षेत्रफल, कह रहा है इन दोनों का अनुपात ही पूछा जा रहा है। अरे यार ये सवाल कोई सवाल है, ऐसे सवाल कोई पूछता है एग्जाम में? आओ जरा देख। बट दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे सवाल मैंने देखे हुए हैं, ठीक है, जब हमने एनालिसिस करवाया हुआ था तो ऐसे सवाल बिल्कुल आए हुए थे। अब जरा गौर से देखो, कह रहा है कि वो अगर मैं इसकी त्रिज्या मतलब इसका अगर क्षेत्रफल निकालना चाहूं तो क्या होगा। देखो पाई तो कॉमन हो जाता है, मैं रेशियो की बात कर रहा हूँ, पाई तो कॉमन, पाई पाई कट जाता है, और क्षेत्रफल का मतलब इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो 25 में से 16 गया तो कितना भैया 9। अब कह रहा भाई इस वाले का क्षेत्रफल बताओ, तो बड़े वाले के क्षेत्र मतलब त्रिज्या का स्क्वायर माइनस छोटे वाले त्रिज्या का स्क्वायर, तो 749 में से 25 गया तो बच्चा क्या बच्चा 24, काट दो 3 3 9 3 8 24 क्या आया, कितना टाइम लगा मात्र 5 सेकेंड, इससे ज्यादा नहीं, बेमानी नहीं करना बिल्कुल। आ जाओ जरा बच्चे, जानते हो ना एसएससी को अलजेब्रा से बड़ा प्यार है, इतना ज्यादा प्यार है कि मान के चलो 2 क्वेश्चन उठा के देता है अलजेब्रा से, ठीक है। आ जाओ, और बहुत ही मात्र 2-2 3-3 सेकंड का सवाल होता है। अब जरा एक सूत्र मुझे बताओ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3 ए बी सी, ठीक है, होता है 1/2 ए प्लस बी प्लस सी 3 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, का होल स्क्वायर ये तो होता है। अरे बोलो बाबू, पुट्टी तो करना है, चलो पुट करो, 1/2 1/2 दो से काट देगा, यहां 1 बचेगा, ये क्या है भाई 26 और 26 और गुणा 3 भी है, माइनस यहां 2 2 4 है, 3 6 18 8 3 2 6 1 7 72 में से 4 गया 76 बात 74 सॉरी 74 क्या गया भाई मेरे 74। बताओ ऐसा सवाल पूछा गया था ही नहीं पूछा गया था, ऐसा सवाल तो पूछा जा रहा है, बिल्कुल बहुत इजी चीज था। नेक्स्ट सवाल आइए दोस्तों, आज का ये बहुत ही गजब सवाल है। कह रहा बच्चे यहां से मैं थीटा की कोई वैल्यू रख दूं, थीटा की कोई एक वैल्यू रख दूं, जो इनमें से कोई ऑप्शन उठा के दे दे, अगर ऑप्शन उठा के देता तो ठीक है, नहीं देता तो बच्चे तो हम क्या करेंगे, इनमें थीटा की वैल्यू पुट करके अपने ऑप्शन को टैली कराएंगे। आई दोस्त मैं क्या रखूं थीटा की वैल्यू, मैं थीटा की वैल्यू रख लेता हूं 30, मैं थीटा की वैल्यू 30 रख लेता हूं, तो 1/1 प्लस और थीटा की वैल्यू अगर 30 तो क्या होता है बच्चे 1/2 ही तो होता है, और प्लस 1/1 प्लस ये 4 होगा, बिल्कुल 4 होगा, यहां ये 4 होगा आप जानते हो। अब जरा सोल्व करो, 4 1 4 और 1 5 यानी कि 4/5 प्लस 1/5 इक्वल टू 1, देखो ऑप्शन टैली कर रहा है बिल्कुल, यानी थीटा की जो वैल्यू है ना वो 30 पे ही वैल्यू पुटिंग, ये वैल्यू पुटिंग का सवाल है, बहुत इजी सवाल था। आइए नेक्स्ट, कह रहा है कि 44 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी उसी दिशा में 8 किलोमीटर पर घंटे की चाल से किसी व्यक्ति को 15 सेकंड में पार करती है,
बहुत बढ़िया, बताओ परिणामी चाल क्या होगी भाई, यानी कि 44 44 दिशा में जा रहा है तो माइनस, सबकी किलोमीटर पर घंटे में बिल्कुल, आपसे कह रहा भाई डिस्टेंस, भाई जितने भी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और टाइम है क्या भाई 15 बटा 60 मतलब सीधे 15 ही लिख दो, कोई दिक्कत ना है आपने, बटे कर दो यानी कि भाग करनी है आपको, किससे किससे भाग करनी है, और जरा देखो कह रहा कि 44 आपसे कह रहा है कि एक महिला की स्पीड क्या है जो उसी दिशा में चल रही है, मतलब ट्रेन की विपरीत दिशा में आ रही है, तो ये भी तो उतनी डिस्टेंस भाई उतना ही ट्रेन की दूरी के बराबर ही, मतलब जब एक व्यक्ति को ट्रेन पार करेगी चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, अपनी दूरी पार करेगी तो डिस्टेंस तो सेम है, और कह रहा है कितना सेकंड लग रहा है 10 सेकंड लग रहा है, बटा 60 कट जाता है, ये भी कट जाएगा, और जरा यहाँ देखो कह रहा है कि 44 माइनस 60 कर दो यार, क्या फायदा फालतू में करने का, 44 माइनस 60 बताओ क्या होता है आपको, 44 और माइनस 8 46 होता है, सॉरी 36 होता है, 36 और ये क्या 44 प्लस का x दैट इज इक्वल टू 5 3 15 5 2 10 दो ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे हो जाएगा, 3 से गुणा करो यानी कि 3 6 18 3 9 1 10 108 बराबर 88 प्लस 2x, 2 से सबको भाग मतलब भाग दे दो, तो यहाँ 44 ही आ जाएगा, आप जानते हो 44 प्लस x और ये 2 से करोगे तो आएगा 56, एक बार के लिए अगर घटाओगे तो 56 में से मैं क्या घटाऊं कि बच्चे मेरा आ जाए कितना आ जाए बताओ जरा, तो माइनस करोगे तो यहाँ बराबर करना पड़ेगा, क्या आ रहा है आंसर बच्चे, 12 आ रहा है, 12 किलोमीटर पर आर, कोई दिक्कत ना भाई, ऑप्शन में दिक्कत है, 12 किलोमीटर पर आर बताओ क्या दिक्कत है, अच्छा ये 4 था क्या, ये 4 था तो 10 आएगा बच्चे, ये नहीं आएगा बिल्कुल, 10 किलोमीटर पर आर, इसको मिटाई देता हूं मैं, 10 किलोमीटर पर आर। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे अगला सवाल आपके नजरों के सामने ये रहा, देखिए दोस्तों क्या कर सकते हो इसमें, आप बताओ जरा आप क्या कर सकते हो इसमें भाई, इसको क्या लिख सकते हो जरा बताओ, 1 प्लस tan² थीटा को लिख सकते हो sec² थीटा, यस इसी है ना sec² थीटा, और जरा इसको देखो भाई, इसको लिख सकते हो, ये देखो tan इनवर्स का मतलब क्या, 1/10, और 1/10 को क्या लिखते हो cot थीटा, 1 प्लस cot² थीटा को लिख सकते हो cosec² थीटा, और इसको सॉल्व करने के बाद आप सीधे सीधे लिख सकते हो क्या कि sec² थीटा dot cosec² थीटा, ऐसे लिख सकते इसको सॉल्व करके, ये हमने पढ़ाया हुआ है, कह रहा है कि देखो जरा, कह रहा है ये बराबर k के है, तो कह रहा है k स्क्वायर की मतलब k रूट की वैल्यू बताओ, तो रूट का मतलब इधर भी रूट चढ़ाया तो इधर भी रूट चढ़ाया, तो आप जानते हो ये वाला बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर हो जाता है, बोलो हाँ या ना, अच्छा ये यही आ गया क्या, बिल्कुल ऑप्शन कॉन्ट्रडिक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, एक किसी को सही मान लो, ये नहीं सही, ओके सॉरी, अच्छा इसमें कॉस है, सेक है बच्चे, सेक आएगा कॉसेक इंटू सेक, आइए नेक्स्ट, कह रहा है कि त्रिभुज ए बी ई में बना लो पहले त्रिभुज ए बी ई, यानी कि ये ए हो गया ये बी हो गया, ए बी ई क्या है भाई, कह रहा है कि बी और डी क्रमशः ए सी और ए बी ई नहीं होगा दोस्तों, ए यहां पे ए ई सी होगा ऐसे करके ए ई सी, ठीक है अब कह रहा है, आप देखिए कह रहा है कि बी और डी क्रम से स्पेस पे इस प्रकार हो गया भाई, देखो ऐसे करके ये बी हो गया और ये सॉरी ये बी हो गया और ये डी हो गया, इस तरह से सवाल होगा, यहां जरा देखो यहाँ ये ए ई होगा और यहाँ पे सी होगा, इस तरह से होगा, अब आइए दोस्तों कह रहा है कि ए और कहां भी ए ए और ई, कह रहा है ये पूरा 8 है, कह रहा है बी डी क्या भाई, बी डी आपका 3 है, आया ना, कह रहा कि ये बड़ी भुजा का बड़ी भुजा से रेशियो, तो सबसे पहले आ जाओ रेशियो भाई, दोनों समरूप होंगे आप जानते हो, यानी कि बच्चे समरूप होगा अगर, तो जरा गौर से देखो एडी बटा छोटी भुजा यानी कि बीडी इज इक्वल टू कौन सी भुजा, बड़ी भुजा ये और ये बड़ी भुजा यानी कि एसी या एई सॉरी एई है, और क्या भाई
ईसी, समझे बात को, जिसकी जिसकी वैल्यू पता उसको उसको रख दो। क्या क्या पता है? एडी पता भी नहीं, ए ही पता है। ए क्या भाई? आठ है, समझे बात। और आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है बाबू आपको पता है बीडी, बीडी का रख लो, यानी कि बीडी ईसी नहीं पता आपको और एडी भी नहीं पता है। एडी पता आपको? एडी नहीं पता, गौर से देखो, एडी नहीं पता, बिल्कुल एडी नहीं पता। अच्छा करेक्ट, जो रेशियो इसका इससे होगा वही रेशियो इसका इससे होगा, ठीक है। एडी नहीं पता, चलो भैया एडी नहीं पता, पर बीडी पता आपको, बीडी तीन है। बीडी कितना? तीन है। बीडी कितना भाई? तीन है। अब जरा गौर से देखो, आप इसको उधर ले जाओगे, इसको उधर ले आओगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई मेरे, बताओ जरा। कह रहा है कि ए डी इन टू ई सी इज इक्वल टू एट टू थ्री, ठीक है भाई, ये चीज है। लेकिन क्या हमें कुछ ऐसा मिल पा रहा है जिससे हम सवाल सॉल्व कर पाए? देखिए सवाल में ऐसे दिया होगा, गौर से देखिएगा, सवाल में ऐसे दिया होगा कि ये बी डी, ये दिया होगा ऐसे करके, बी डी, बी डी तो है खैर कोई बात नहीं, ये ईसी दिया, मतलब ईसी दिया होगा, ई और सी दिया होगा, ये ए नहीं होगा, तभी शायद मुझे लगता है सवाल गड़बड़ हो रहा है। अब यहां अगर ये एट होगा और ये थ्री होगा तो इन दोनों का रेशियो क्या होगा? एट और थ्री हो गया पक्का। और ये अगर दोनों त्रिभुज समरूप है, ठीक है, तो जो त्रिभुजों का जो मतलब क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा, बिल्कुल इनके स्क्वायरों का अनुपात होता है, इनके स्क्वायरों का अनुपात होता है, तो इसका 9 होगा और इस बड़े वाले का होगा 64, ठीक है। देखो बिल्कुल आ गया एकदम सेम टू सेम, सवाल में थोड़ी सी गलती है, यहाँ पे इसी बना लेना, तो 9:64, समझ पा रहे हो, थोड़ी सी गलती थी सवाल में। आ जाओ नेक्स्ट, नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी बना लो, त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी बना लिया भाई हमने। कह रहा है कि ए ये है, चल भाई ए, ए बी और सी, और क्या भाई, और सी है। कह रहा है कि ए सी पर डी है, चलो यहां पे डी हो गया, मिला दो इसको। कह रहा है इस प्रकार स्थित है कि ए बी मतलब ये बराबर बी डी मतलब कि ये और बराबर डी सी मतलब ये तीनों आपस में बराबर हैं। देखो जरा गौर से, अगर ये बराबर इसके है तो इसके सामने का ये एंगल और इसके सामने का ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, बोलो हाँ या ना। और अगर ये दोनों आपस में बराबर है तो इसके सामने का ये एंगल बराबर इसके सामने का ये एंगल, ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे, समझ रहे, यानी कि ये एंगल बराबर इस एंगल के और ये एंगल बराबर इस एंगल के, इन दोनों में कोई समानता नहीं है। हाँ ये चीज है, ये बहिष्कोण है तो इन दोनों कोणों का योग हो जाएगा। अब जरा देखो गौर से क्या दिया हुआ है, कह रहा बी ए डी, बाबू बी ए डी ये वाला एंगल कितना भाई? 70 डिग्री। कितना भैया? 70 डिग्री है। अच्छा ये 70 डिग्री है, चलिए जी आपसे क्या कह रहा है, एंगल बी का मान बताओ। ये कह रहा है एंगल, पूरे एंगल की वैल्यू बताओ। अब जरा गौर से देखो, कह रहा है कि बी ए डी की वैल्यू वो है, तो बताओ मुझे जरा क्या और कुछ दिया है बच्चे? कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है ये 70 तो भैया ये भी 70, हाँ या ना बोलो, क्योंकि दोनों एंगल तो बराबर है, ये 70 तो ये भी 70, 70 70 140, तो ये कितना भाई? 40, तो ये भी 40, बोलो ये 40 डिग्री। अब जरा गौर से देखो, ये क्या भाई? ये बहिष्कोण है, ये बहिष्कोण है इन दोनों कोणों का, मतलब इस वाले ट्रायंगल का। जब ये बहिष्कोण है तो बहिष्कोण क्या होता है? सुदूर अंतर दोनों कोणों के, क्योंकि बराबर, ये थीटा मतलब ये भी थीटा, क्यों? क्योंकि दोनों बराबर है। तो 2θ की वैल्यू क्या भाई? 2θ की वैल्यू 70 हो गई, तो थीटा की वैल्यू 35 हो गई। अब जरा गौर से देखो, ये 35 और ये 40, तो 35 40 कितना? 75। कितना भाई मेरे? 75। देखो दोस्तों ये सवाल बिल्कुल 100% ऐसे सवाल आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट कह रहा है किसी काम को करने के लिए ए बी सी की क्षमताएं, बस देखो क्षमताएं, यदि ये कहते हैं एक साथ काम शुरू करते तो 15-35 दिनों में काम खत्म हो जाता है। देखो जी 35 दिन में काम खत्म होता है, ये है डेज, और मैं अगर इसमें क्षमता का गुणा कर दूं, यानी कि 7 5 12 6 18 का मैं गुणा कर दूं, तो दोस्तों जो ये आएगा हमारे पास वो आएगा वर्क, यानी कि 18 25 90 9 18 3 54, 54 और 9 कितना होता है मेरे बच्चे बताओ जरा? 54 और 9 कितना होता है? 63, बोलो हाँ। 54 और 9 कितना होता है? 63, यानी कि 630 काम मेरे पास है। अब कह रहा है कि यदि वह उस काम को 35 दिन पूरा कर सकते हैं, चलो ठीक है, कह रहा है कि बी सी मिलकर 21 दिन काम करते हैं, बी और सी कौन? 6 5 11, 11 दिन, 11 क्षमता से 21 दिन काम करते हैं, यानी कि 1 2 और 1 3
बचे 231 काम निपटा दिया दोनों ने, तो बचा कितना 9, यहां कितना बचा बच्चे 2 यानी कि 12, यहां भी 9, यहां कितना बचा 5, 5 में से 2 गया तो 3, कितना काम बचा हुआ बच्चे 399 काम अभी बचा हुआ। कह रहा है कि शेष काम ए द्वारा खत्म किया जाता है, तो शेष काम अगर ए द्वारा खत्म किया जाता है तो ए द्वारा खत्म करने दो भाई। कह रहा 7 × 5 = 35 और 7 × 7 = 49 यानी कि ए 57 दिन में शेष काम खत्म करेगा। ए कितने दिन में? 57 दिन में शेष काम खत्म करेगा। और यही तो आपसे पूछा था, यही तो आपसे पूछा था कितने दिन में काम खत्म करा, 57 दिन में। नेक्स्ट देखिए जी, बहुत ही आसान सवाल है, बोर्ड मॉस का है, मैं लिख देता हूं आप कर लीजिएगा। देखो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उससे पहले ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करो, तो सबसे पहले छोटा यानी 3 × 3 = 6 हो गया, यानी कि 3/6 और यहां गुणा 4 है, आया ना? तो जरा इसको सॉल्व करो तो 2 आएगा, यहां 3 आएगा, यानी कि 2 बचा अंदर, तो ये हो गया 3/2 और गुणा है भाई का, मतलब का है तो गुणा, यानी कि का किधर तोड़े, का को पहले काटिए ना, तो पहले सबसे पहले का को काट लो, यानी कि 2 और गुणे 4, यहां भाग है, पक्का? बहुत बढ़िया। आइए दोस्तों, 4 × 2 = 8 होगा, इसका मतलब 3/8, ठीक है, और गुणा यहां पे 4 है, इधर है भाग, और फिर इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व कर लो, तो इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, सीधे सीधे सॉल्व करके लिखो, सीधे सॉल्व करके लिखो, तो कह रहा है अगर भाग हो पहले काको काटो, यानी कि 8 × 32 32 यानी कि 1/16, क्या गया बच्चे 1/16, ये तो का को पहले काटिए फिर भाग दीजिए जो भी है, पक्का? बहुत बढ़िया। आइए जरा अब कह रहा है इधर वाले को भी सॉल्व कर लो, तो पहले का को सॉल्व करो, तो का को अगर मैंने सॉल्व किया तो 4 × 16 बना गया, ये तो भागा 16 हो गया, ठीक है भाई। अब जरा गौर से देखो, ब्रैकेट ओपन कर दो बिल्कुल, यानी कि 16/16 ये तो कटके 1 हो गया, यहां 3/8 आया था, यहां हो जाएगा 16/1 उल्टा हो जाएगा, काहे काहे कि आप जानते हो 6 आपका आंसर आ जाता है, बिल्कुल बड़े आराम से, बड़े प्यार से। नेक्स्ट, ऐसा सवाल पूछा गया था बच्चे, ऐसा सवाल, और यकीन नहीं मानोगे एक वीडियो पहले ही ऐसा मैंने सवाल कराया था और एसएससी ने ठीक उसी तरह से सवाल अगले सिफ्ट में पूछ लिया, समझ रहे हो? तो बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो, आ जाओ। नेक्स्ट कह रहा है कि cos थीटा अपॉन 1 − sin θ प्लस दिस इज, कह रहा है ये 4 के बराबर है और थीटा की वैल्यू 0 ना 0 से, मतलब 0 से बड़ी है और 90 से छोटी है, मतलब ना ही 0 है ना ही 90 है, तो हमारे पास जितनी वैल्यू याद होती है वो होती है 45 और 30 और 60, यानी कि हमें इतनी वैल्यू याद होती है साथ साथ 0 90 की, तो एक किसी वैल्यू को उठा के इसमें पुट कर दो और अपने इक्वेशन को मतलब सॉल्व करने का प्रयास करो, अगर ये दोनों साइड बराबर हो जाती है इसका मतलब थीटा की वैल्यू हमने सही से ही ले ली थी, और उसी थीटा की वैल्यू उठा के वहां पे पुट कर देते हो, यानी कि 30 अगर लोगे तो √3/2 1/2 हो जाता 1/2 प्लस cos √3/2 अपॉन 3/2, बच्चे काटा यहां पे तो कट गया, ये भी कट गया, यहां बचा √3 प्लस ऊपर भी बच गया बच्चे क्या 1/√3, क्या बच गया 1/√3, तो 3 आप जानते हो बड़े आराम से करोगे तो भी ये 4 के बराबर कभी नहीं आ सकता, 4 के बराबर नहीं आ सकता, तो बताओ हम क्या करें, हम 45 ले ले वैल्यू, और अगर 45 ले लेते हो तो जानते हो आप कि 1/√2 आता है अपॉन 1 − 1/√2 प्लस 1/√2 1 + 1/√2, जरा सॉल्व करो, कहता है √2 कट जाएगा कब, लेकिन यह संक्रिया होने के बाद ही कटेगा, 1/√2 − 1 + 1/√2 + 1, यही तो मिलेगा। अब जरा एक काम करो, दोनों का एलसीएम ले लो, तो दोनों का अगर एलसीएम ले लेते हो आप तो आप जानते हो यहां बचेगा √2 − 1 यानी +1 प्लस √2, क्या होगा भाई √2 − 1, नीचे क्या बचेगा, नीचे 1 बचेगा, तो आप एक बात बताओ क्या √2 खत्म हो रहा है क्या यहां से, √2 तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा मेरे भाई, ये कटा आप जानते हो कट गया, इसका मतलब ये भी वैल्यू नहीं होती, इसका मतलब हमारे पास एक ही वैल्यू और बची है 60, तो बच्चे 60 का उठा के रख लो, जो ऑप्शन आता है वही आपका आंसर है, तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3,
कॉट 60 की वैल्यू क्या होती है? 2/√3, 2/√3। सॉल्व करो, 3 और 2 5, 5/√3। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करने का प्रयास करोगे तो 5 परमीकरण कर दोगे, रेशनलाइजेशन, तो देखो ये आपका आंसर मिल जाता है और पहले ही ऑप्शन में ये आंसर अच्छा होगा। देखिए हमने दो चीजें चेक करी, नहीं था तीसरा आपका होना ही था। नेक्स्ट, क्योंकि एग्जाम में इतना भी निर्दयी नहीं है कि आपसे बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करवाए। कह रहा है कॉट थीटा की वैल्यू क्या भाई? कॉट क्या देखो जरा, कह रहा बच्चे कॉट थीटा की वैल्यू, आइए दोस्तों कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं साइन, या उल्टा भी लिख सकते हो, क्या आप जानते हो ये चीज? आप सीधे सीधे कोसेक लिखो, कोसेक लिखो, क्या भाई? कॉट थीटा को क्या लिख सकते हो? कोसेक थीटा अपॉन सेक थीटा, और दैट इज इक्वल टू √7/1। यही तो हुआ, यानी कोसेक की वैल्यू मैं क्या ले सकता हूं? √7। क्या ले सकता हूं? √7। रख लो भैया सब में √7, तो √7 रखा तो यहां पे 7 आया, sec की वैल्यू रखा तो 1 आया, 7+1 यानी कि यहां 6, नीचे 8, 3/4। देखो जरा ये रहा बदतमीज आंसर यहां रखा हुआ है ना। नेक्स्ट कह रहा है कि 2012 से 2018 इसी प्रकार की कारों की, ये तो डीआई का सवाल था, बच्चे ने गलत टाइप कर दिया, डीआई का सवाल था, डीआई के लिए हमें अपना ध्यान होना चाहिए, आप जानते हो हमारे पास आंकड़े होने चाहिए। कह रहा सुषमा ने 12,000 रुपए, ये भी बिल्कुल, ये भी डीआई का सवाल ही था, चलो ठीक है डीआई का नहीं, ये तो सवाल है। सुषमा ने 12,000 रुपए में 6 मेज और कुर्सियां खरीदी, कहता 12,000 रुपए में क्या किया उसने? 6 मेज और कुर्सियां, और कहता मान लो एक्स कुर्सियां खरीद ली, कहता उसने मेज को 15% लाभ पर बेचा, मेज को 15% लाभ पे बेच रहा है, ठीक है, कह रहा कुर्सी को 10% लाभ पे बेच रहा है, बहुत बढ़िया। कह रहा यदि उसने कुल ₹300 का लाभ किया, कुल ₹300 का लाभ किया, तो कह रहा मेजों की कुल लागत मूल्य क्या है? देखो दोस्तों एक सेकंड के लिए, तो आपके पास कुर्सियों की संख्या नहीं है, अगर कुर्सियों को भी 6 ही मानो, अगर कुर्सियों को भी 6 ही मानो तो जरा एक बार गौर से देखो, कह रहा 6 मेज और 6 कुर्सियां, कह रहा है कि एक भी 15% का प्रॉफिट, यानी कि 6 मेज को बेचा कितने में भैया? 15% के प्रॉफिट, और क्या बेच दिया? 6 कुर्सियों को बेच दिया, ठीक है 300 के प्रॉफिट। यस ठीक है बच्चे, इस सवाल को छोड़ो, छोड़ना इसलिए ठीक है क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, देखो यहाँ कुर्सियों की संख्या नहीं दी गई है, और जब तक कुर्सियों की संख्या पता नहीं चलेगी हम सवाल लगा नहीं पाएंगे, ठीक है, तो मुझे लगता है ये सवाल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट, मतलब कॉन्ट्रेडिक्शन है, तो इसको छोड़ दो, जाने दो। कह रहा कि एक डीलर अपनी सूची मूल्य पर, इसको आ जाओ ये सवाल देखो, कह रहा एक डीलर सूची मूल्य पर 20% की छूट पर एक वस्तु खरीदता है, ठीक है 20% की छूट पर एक वस्तु खरीदता है, तो कह रहा 20% की छूट पर खरीदता है तो डिस्काउंट मिलता किस पे? आप जानते हो हमेशा अंकित मूल्य पे डिस्काउंट मिलता है, तो 1/5, मान लिया मैंने 5 मेरा क्या है अगर अंकित मूल्य है तो 4 पे खरीदा जा रहा है, और कितने का? 1 का डिस्काउंट मिलता है, बोलो हाँ या ना। कह रहा और इसे सूची कीमत पर 50% अधिक, मतलब 25% अधिक अंकित किया जाता है, कह रहा सूची मूल्य पर 25% अधिक अंकित, तो 25% की फ्रैक्शन बना लो बच्चे, 25% की फ्रैक्शन हो जाती है बच्चे 1/4, यानी कि अगर सूची मूल्य मेरा 4 है तो मैं 5 अंकित कर रहा हूँ, यानी कि 5 मैं अंकित कर रहा हूँ, तो इसका मतलब अंकित मूल्य मेरा आज भी 5 है, लेकिन जो सूची मूल्य है मेरा ना वो है बच्चे 4, वो क्या है 4 है, ये क्या है? ये विक्रय मूल्य है, सूची मूल्य बोरा। कह रहा है कि नहीं, यदि वह सूची कीमत पर 20% की छूट देता, यदि वह सूची मूल्य पर 20% की छूट देता, तो सबसे पहले सबका रेशियो निकाल लो ना, तो बच्चे आप जानते हो ये इररेगुलर रेशियो है, इसको हम कैसे करते हैं जरा देखो, बगल वाले से बगल वाले को रिप्रेस करते हैं, मतलब ये, मतलब प्रेस पे रख देते हैं, ये 4 बच्चे, ये 4 तो ये भी 4, मतलब ये 5 हो जाएगा, अब 5 × 25 होता है, 5 × 20 होता है, 4 × 16 होता है, बहुत ही प्यार से रेशियो आ गया, रेशियो बहुत बढ़िया।
दोस्त अगर 5% की छूट देता है तो आप जानते हो पहले था 20 में आप बेच रहे थे, लेकिन अब कितने में बेचोगे? तो 16/5 और कमी कर दोगे तो 20 × 5 = 100, यानी कि अब कितने में बेचोगे? 84/5। पक्का भाई? 84/5, 84/5। अब कह रहा है कि 84/5 और कोई भी जब कीमत मतलब प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट किया जाता है तो वो तो 100 पे किया जाता है, मतलब कि विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य पे। तो ये बच्चे कट जाता है 84, इसका मतलब आपका जाता है 14%, 24% आपका आंसर क्या भाई? 24%। नेक्स्ट नेक्स्ट सवाल कह रहा है, अब जरा देखो, कह रहा है कि x³ √2y³, ठीक है, और अपॉन में दिया हुआ है, क्या दिया अपॉन में? x − √2y। गौर से देखो, इसी का क्यूब होना है, तो एक बार तो कट ही जाएगा, सिर्फ वो वाला लिखो जिससे कंपैरिजन करना है। तो x² + 2y² + xy तो हो जाएगा बच्चे √2xy। अब बड़े आराम से कंपैरिजन करके x, a, b और c की वैल्यू निकाल सकते हो। क्या पूछा आपसे? 2a, तो a की वैल्यू तो 1 है, इसका मतलब ये तो 2 ही हो जाएगा। प्लस b की वैल्यू क्या पूछा है भाई? b की वैल्यू दे दिया है √2, यानी कि √2 अगर लगाओगे तो 4 × 2 = 8 ये बनेगा। और माइनस कह रहा है 4c, c की वैल्यू क्या भाई? 2, यानी कि 4 × 2 = 8, ठीक है। अब जरा गौर से देखो, ये माइनस इतना प्लस इतना, तो बचेगा आंसर क्या हमारा? 2। क्या बचेगा भैया? 2 बचेगा, पक्का। चलो बच्चे आज इतना ही रखते हैं, ठीक है, आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।